पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये दास्तां है एक बहुत ही जबरदस्त अभिनेता की, जिसने रंगमंच पे अपना जादू बिखेरा तो सिनेमा में अपने अभिनय के झंडे गाड़े। नाम है इनका यूनुस परवेज। ये लाला सुखीराम की दुकान है? जी हाँ, मैं ही लाला सुखीराम हूँ। अखबार में इश्तिहार आप ही ने दिया था? हाँ, हाँ, हाँ। यूनुस परवेज साहब दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर इलाके से ताल्लुक रखते थे। इनका जन्म 10 अगस्त सन 1936 में बताया गया, शहर मिर्जापुर। ये बात भी सामने आई कि इनके वालिद दरअसल पुलिस में काम किया करते थे और उनके पिताजी का अक्सर तबादला हो जाया करता था, लिहाजा यूनुस परवेज साहब को कई शहरों में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। अच्छा अच्छा, तुम उनकी बातें कर रहे हो। बहुत भले आदमी थे बेचारे, लेकिन उनको बहुत वक्त हो गया यहाँ से गए हुए। गए हुए कहाँ? मालूम नहीं साहब, लेकिन इस कोठी की नीलामी के बाद किसी ने भी उनको यहाँ नहीं देखा। और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए ये इलाहाबाद शहर पहुँचे। इस बात पर भी आपको हैरत होगी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इन्हें मौका मिला ये डॉक्टर हरवंश राय बच्चन, डॉक्टर राही मासूम रजा और अजीम शायर फिराक गोरखपुरी को देखें और उनसे पढ़ें। यही वो वक्त था जब ये थिएटर से जुड़ गए। इन्होंने बीए और एमए की डिग्री ली उर्दू में और साथ ही कॉलेज के रंगमंच पर इन्होंने अपने अभिनय का जलवा बिखेरा। बनेगा, जरूर बनेगा, थोड़ी सी चूक हो गई माफ करना, वरना आज कढ़ाई में दूध के बजाय सोना होता। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह कामयाबी होगी, जरूर होगी। अपनी एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने ठाना कि अब ये पीएचडी करेंगे और ये वो वक्त भी था जब कुछ दिनों के लिए इन्हें दिल्ली जाना पड़ा, जहां में इनकी मुलाकात हुई मशहूर मारुफ अभिनेता दीवान वीरेंद्र नाथ से। एक दिन वीरेंद्र नाथ जी इन्हें रशियन एम्बेसी की एक पार्टी में ले गए, जहां पर रंगमंच के बड़े जबरदस्त नगीने मौजूद थे, बेगम कुत्सिया जैदी, हबीब तनवीर साहब और मशहूर मारुफ लेखक और शायर नियाज हैदर। ये वो बरस भी था जब उत्तर प्रदेश में इन्हें बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया था। बात तो तुम ठीक बोलो हो, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, तुम उनसे बात करके उन्हें चलता कर दो। सुठो, अब इसमें 5.5 लाख रुपए हैं। अरे चरिया, तुम चिंता नहीं करना, नहीं कल सुबह आके वो डाटो सुठो पार्थी सेठ से 7 लाख रुपए ले लेना। अब जाओ नी, मैं जमीन खाली कराता हूँ नी, अरे जाओ। इन प्रतिभाशाली लोगों से मुतासिर होकर इन्होंने फिर आगे पीएचडी करने का इरादा छोड़ दिया और ये बेगम कुत्सिया जैदी के साथ हिंदुस्तानी थिएटर का हिस्सा बन गए। ये साल रहा सन 1959। रंगमंच के दिनों में ही इन्होंने कई नाटक किए, जहां पर हबीब तनवीर साहब, एमएस सत्यू साहब और नरेंद्र शर्मा जी का सानिध्य इन्हें मिला। पर कुछ ऐसे वजूहात सामने आए, हिंदुस्तानी थिएटर ग्रुप आगे न बढ़ सका। मात्र 44 साल की उम्र में बेगम कुत्सिया जैदी का इंतकाल हो गया और ये वो वक्त भी था जब इन्होंने मुंबई शहर की तरफ रुख किया। साल रहा सन 1964। मुंबई आकर ये इप्टा के सदस्य बन गए, जहां पर एक बार फिर ख्वाजा अहमद अब्बास, सागर सरहदी, बलराज साहनी और रमेश तलवार जैसे दिग्गज कलाकारों का सानिध्य इन्हें मिला। रंगमंच के साथ साथ इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। सन 1968 में इन्हें पहली फिल्म मिली जिसका नाम रहा हसीना मान जाएगी। इन्हें सन 1971 में उपहार फिल्म में माझी का किरदार मिला था और वो गाना माझी नैया ढूंढे किनारा इन्हीं के ऊपर फिल्माया गया। इन्हें कई फिल्मों में थोड़े छोटे छोटे किरदार मिल रहे थे, पर इनका अभिनय सभी सराहते थे। लेकिन खास वजह यह है कि इन दोनों की तरह तूने भी मुझसे कर्जा लिया है। हाँ हाँ। 10,000 रुपए। हाँ हाँ। अगर तू कर्जा न चुका सका हाँ। और भाग गया तो मेरे पास कोई सबूत होना चाहिए। हाँ, तेरी तस्वीर होगी तो पुलिस को तुझे ढूंढ निकालने में आसानी होगी। समझ गया। सन 1973 की फिल्म गर्म हवा को कैसे भुलाया जा सकता है। सन 1975 में आई फिल्म दीवार ने तो कमाल ही कर दिया। इन्होंने रहीम चाचा का किरदार निभाया था और उसके बाद इन्होंने पलट के ना देखा। फिर तो निकाह, द बर्निंग ट्रेन, इंसाफ का तराजू, आवाम और एक से बढ़कर एक फिल्मों में और एक से बढ़कर एक सुपरस्टार के साथ ये नजर आए। राजनीति में भी इनकी खासी दिलचस्पी थी और इन्होंने सक्रिय राजनीति में भी एक भूमिका निभाई। इस बात पर भी आपको गौर करना होगा कि एक बार ये लोकसभा का इलेक्शन भी लड़े थे। अरे नंदू, इधर इधर इधर, अरे मेरे साथ तस्वीर खिंचवा। आपके साथ तस्वीर? हाँ। आप इतने बड़े साहूकार और मैं इतना छोटा आदमी, आपके साथ तस्वीर कैसे खिंचवा सकता हूँ? अरे मैं कह रहा हूँ ना, अब बैठ। आप कह रहे खिंचवा लेता हूँ। इनका एक बेटा और 3 बेटियां हैं। इनका बेटा अरशद खान आगे जाकर फिल्म डायरेक्टर बना। यूनुस परवेज साहब ने ये दिखा दिया था कि एक अच्छा अभिनेता कितना भी छोटा किरदार क्यों ना निभाए, उसमें वो खासा असर छोड़ सकता है और वो तमाम किरदार यादगार बन जाते हैं। मगर साहब जी मान क्यों गए? क्यों सही उनकी बेमानी? चुपचाप चले क्यों गए? क्या करते साहब, उन्हें होश ही कहां था?
पागल से हो गए थे बेचारे पत्नी के देहांत के बाद। मुंबई के नजदीक मीरा रोड इलाके में ये रहा करते थे और 71 साल की उम्र में 11 फरवरी सन 2007 को इनका इंतकाल हो गया। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में इनका योगदान बेजोड़ माना जाएगा। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।